जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों आज की ये पैसेज की क्लास मेरी क्लास नहीं है बल्कि आपकी क्लास है। जी हाँ, आपकी क्लास ये कैसे हुई जरा ध्यान से समझिए। दोस्तों इस क्लास को मैंने नाम दिया है कमेंट स्पेशल क्लास, यानी कि CSC। और ये कमेंट और ये प्यारा सा कमेंट किया है मंजू सिंह जी ने। मंजू सिंह जी, आपको मेरी तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके द्वारा निकाले गए कीमती समय के लिए और आपके इस प्यारे से कमेंट के लिए मेरा आपको हाथ जोड़ करके धन्यवाद, क्योंकि आपने कुछ नया हमसे पूछा और आपको मैं कोशिश करूंगा कि सेटिस्फाइड करूं, आपके पूरे आंसर का मैं उत्तर दे सकूं। तो दोस्तों आज का कमेंट मंजू सिंह जी की तरफ से है और उसी ट्रांसलेशन को मैं आपके सामने जो पैसेज है ट्रांसलेट करने के लिए आया हूं। तो दोस्तों पैसेज ये है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी छूटने ही वाली थी, यानी कि तब रेलगाड़ी क्या थी, छूटने ही वाली थी। मैं दौड़कर प्लेटफॉर्म पर गया, वहां पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी चल दी। गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली और मैं एक मूर्ख की तरह उसे प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए देख रहा था। तो दोस्तों इस पैसेज को हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करने वाले हैं ध्यान से समझना, और इसमें जो रूल्स यूज हुए हैं, जिन मेथड्स का यूज किया गया है, उनको भी हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों पहला सेंटेंस हमारा जैसे कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी। जरा समझिएगा कि यानी कि जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, पहले आप क्या करते हैं, पहले आप स्टेशन पे पहुंचते हैं। जरा समझिएगा, हम बात जो बता रहे हैं वो पास्ट की बात बता रहे हैं कि जब हम स्टेशन पे पहुंचे, यानी जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, इसको कैसे बनाएंगे, जब एक ऐसा जब जो होता है इसकी इंग्लिश होती है व्हेन, तो क्या हो जाएगी व्हेन, अब क्या होगा आई, व्हेन आई, अब पहुंचा, यानी कि दोस्तों जरा समझिएगा ये पास्ट की बात हो रही है। और आप याद रखिएगा कि जो व्हेन से स्टार्ट होने वाला क्लाज होता है, जो भी क्लाज व्हेन से स्टार्ट होगा, यानी कि जो सेंटेंस आपका व्हेन से स्टार्ट होगा वो आपका इंडेफिनिट में रखा जाएगा। किस टेंस में रखा जाएगा, इंडेफिनिट में। अब आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे टेंस कौन सा होगा, तो अकॉर्डिंग टू अवर सेंस। अब आप सेंस को आप समझेंगे कि अगर प्रेजेंट की बात होगी तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, और अगर हमारा सेंस ये कहेगा बीते हुए समय की बात को बताएगा तो हमारा सेंटेंस किस में होगा, पास्ट में। समझ में आ रही है ना बात आपको, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे क्या थी था थी क्या बता रहा कि पास्ट की बात हो रही, यानी कि जो हमारा क्लाज होगा किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ओके। चलिए समझते हैं, तो व्हेन आई, आप पहुंचा के लिए आप क्या यूज करोगे, रीच, और रीच का सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों आपको सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट वर्ड, यही होता है ना, ये होता है दोस्तों आपका पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में आपका ये रूल होता है। अब आप ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पे कि व्हेन आई, अब सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी रीच की, रीच्ड, तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस दोस्तों, व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, कहाँ पहुंचा, स्टेशन पहुंचा, तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, When I reached the station, ठीक है दोस्तों। तब क्या था, अब जब when के बाद का क्लास जब स्टार्ट होगा, दोस्तों इस बात को याद रखना कि when का जो क्लास स्टार्ट होगा उसके बाद जब दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे तो कॉमा से सेपरेट करेंगे, तो कॉमा यहाँ पे आपको लगाना जरूरी है, कॉमा आप लगा देंगे फिर अगला हम सेंटेंस को बढ़ते हैं। When I reached the station, तो क्या था, तो के लिए, हमने कॉमा किस लिए लगाया, तो के लिए कॉमा लगा देंगे। रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी, अब देखो जब कोई काम होने ही वाला होता है तो हम लोग अबाउट टू का यूज करते हैं, जैसे मैं जाने ही वाला हूं, समझिएगा मैं जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो, तुम आने ही वाले हो, क्या बोलेंगे, यू आर अबाउट टू कम, समझ गए, यानी जब जाने ही वाला, करने ही वाला, इसका सेंस हो तो आप क्या यूज करेंगे, अबाउट टू। तो यहाँ पे कौन जाने छूटने वाला था, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी को बोलते हैं द ट्रेन, तो क्या हो जाएगा द ट्रेन। अब देखिएगा दोस्तों द ट्रेन, अब पास्ट की बात हो रही है इसलिए वाज लगेगा, मैंने अभी जो एग्जाम्पल बताया उसमें इज हमारे इसलिए लगाया क्योंकि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझिएगा, तो रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी, द ट्रेन वाज अबाउट टू
अबाउट टू ही वाला था के अर्थ में यूज हुआ, ठीक है ना। ये जो सेंटेंस आपका ही वाला है, ही वाली है, इसके लिए आपने अबाउट टू का यूज किया और वाज लगा दिया सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी वाज अबाउट टू हमारा इसके लिए यूज हो गया। द ट्रेन वाज अबाउट टू, अब क्या करना, छूटने वाला। अब आप छूटने के लिए दो वर्ड यूज कर सकते हैं, आप चाहो तो लीव लगा सकते हो दोस्तों, क्योंकि लीव का मतलब ये होता है एक जगह को छोड़ करके जाना, या फिर आप यूज कर सकते थे डिपार्ट, DEPART, तो डिपार्ट का भी आप यूज कर सकते थे। डिपार्ट का भी मतलब होता है प्रस्थान करना, किसी एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह के लिए रवाना हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला सेंटेंस आपका बन चुका है, When I reached the station, the train was about to leave, या फिर आप कह सकते हैं the train was about to depart, क्लियर है, ओके। अब अगला सेंटेंस है दोस्तों कि मैं दौड़कर प्लेटफॉर्म पर गया, मैं दौड़कर प्लेटफॉर्म पर गया। अब मैं गया, यानी अब इसको जरा समझिएगा, हम इसको समझ करके बनाते हैं। मैं यानी कि पहले कैसे गया, मैं दौड़ा, समझ रहे हैं आप, मैं दौड़ा और फिर प्लेटफॉर्म पर गया, बात तो ये हो गई ना कि मैं दौड़ा और फिर प्लेटफॉर्म पर गया। तो इसके सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई रैन। दौड़ा क्या हो गया, आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए पास्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, रन का सेकंड फॉर्म होता है रैन, ठीक है, इसलिए हमने यूज किया आई रैन, यानी कि मैं दौड़ा और फिर क्या हुआ, एंड और प्लेटफॉर्म पर गया, आई रैन एंड अब गया, गया यानी कि जाना, जाने की वर्ब होती है गो, गो मतलब होता है जाना, और इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो हमें कौन सी वर्ब की फॉर्म रखनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि वेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई रैन एंड वेंट, कहाँ गया, प्लेटफॉर्म पर गया। अब दोस्तों याद रखना कि प्लेटफॉर्म पर जाने का मतलब क्या होगा, कि मैं प्लेटफॉर्म के थोड़ा सा नजदीक, एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर हूं या वहीं के आसपास की बात जब हो तो वहां पे हम लोग प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपका कोई प्लेटफॉर्म हो गया, तो जरूरी है कि आप यहीं पे इतने में ही खड़े हों, इतनी बात क्लियर नहीं है। आप हो सकता है यहां पे भी अगर खड़े होंगे तो भी आप एट लगाएंगे, आप यहां पे खड़े होंगे तो भी एट लगाएंगे, आप यहां पे होंगे एग्जैक्ट स्टेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे तो भी आप एट लगाएंगे, समझ गए। तो यानी कि यहां पे हम क्या हो रही बात हमारे पास, कि लगभग वहीं के आसपास थे तो इसलिए एट, आई रैन एंड वेंट एट द प्लेटफॉर्म। यहां तक बात आपको समझ आ गई दोस्तों, यानी कि मैं दौड़ा और प्लेटफॉर्म तक गया, प्लेटफॉर्म पर गया, क्लियर है। चलिए अब अगला है कि वहां पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी चल दी। जरा आप सेंटेंस हो जब भी आप बनाइए दोस्तों तो समझ करके बनाइएगा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर कि वहां पहुंचा ही था, यानी अब देखिए इतनी प्रॉब्लम तो हो गई, अब बड़ी मुश्किल से मैं वहां पहुंचा, क्या बोलेंगे, बड़ी मुश्किल से मैं वहां पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी चल दी, यानी चल दिया, अभी तो छूटने वाली थी यानी फिर भी कुछ समय बचा था, लेकिन जैसे मैं स्टेशन पर गया, मैं दौड़ा और स्टेशन पर गया, सॉरी प्लेटफॉर्म पर गया, प्लेटफॉर्म पर जाते जाते क्या हुआ, वहीं पहुंचा ही था, बड़ी मुश्किल करके दौड़ करके बड़ी मुश्किल से पहुंचा था कि ट्रेन छूट गई, चल गई। आप जरा समझना, जब बड़ी मुश्किल से का सेंस यूज हो, बड़ी मुश्किल से, तो वहां पे दोस्तों हम यूज करते हैं हार्डली का यूज। अब हार्डली यानी बड़ी मुश्किल से, अब इस यहाँ पे हम पास्ट की बात हो रही, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में इसका यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, हार्डली हैड आई, कौन पहुंचा था बताइए। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का रूल मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पास्ट परफेक्ट में दोस्तों रूल क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पे ये हार्डली जब पहले यूज होगा तो हेल्पिंग वर्ब आपकी इसके तुरंत बाद आ जाएगी, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, और हैड के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इंट्रोगेटिव के रूप में यूज किया है, तो हार्ड इंट्रोगेटिव होगा नहीं लेकिन समझिएगा, तो हार्डली हमने पहले यूज कर लिया, इसलिए हार्डली के साथ ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी होगी। तो हार्डली हैड आई, यानी मुश्किल से क्या था, आई रीच्ड देयर, यानी मैं वहां पहुंचा ही था, वहां हार्डली हैड आई रीच्ड, ठीक है, कहां पहुंचा था, देयर, समझ गए, हार्डली हैड आई रीच्ड देयर, यानी कि बड़ी मुश्किल से मैं वहां पहुंचा ही था कि क्या हो गया। अब देखना दोस्तों, जब आप हार्डली का यूज करते हैं, ध्यान समझना कि जब भी आप कभी हार्डली का यूज करेंगे तो हार्डली के बाद आपको व्हेन लगाना जरूरी है, क्या लगाना जरूरी है, व्हेन। मैं इसको रेड पेन से इसलिए दे रहा हूं, यहां पर फिर से समझ लीजिए कि जब भी दोस्तों हम हार्डली का यूज करेंगे यानी बड़ी मुश्किल से के लिए,
तो चाहे आप तीन वर्ड को याद रख लीजिए, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, इनके साथ आपको व्हेन लगाना होगा। तो हमने यहाँ पे हार्डली का यूज किया है, इसलिए हार्डली हैड आई रीच्ड देयर व्हेन, यानी हार्डली के लिए क्या यूज हो गया, व्हेन। समझ गए, ये कंजक्शन आपको लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी बड़े मुश्किल से मैं वहां पहुंचा ही था कि क्या होगा, यानी की के लिए हमने क्या लगा दिया, व्हेन। रेलगाड़ी चल दी, यानी कि क्या हो गया कि रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी के लिए हम रेलगाड़ी नहीं, ट्रेन नहीं यूज करेंगे, इट यूज कर देंगे। व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ, क्या हो गया, स्टार्टेड ऑफ का मतलब हो गया दोस्तों, यानी ये स्टार्ट हो गई और चल दी लगभग, ठीक है ना, स्टार्ट हो गई चल दी। समझ गए कि जैसे ही मैं वहां पहुंचा, बड़ी मुश्किल से मैं वहां पहुंचा ही था कि ये क्या हो गई, व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ, कि जब क्या हो गया, ये बहुत, यानी कि ये चल दी। समझ गए यहां तक, चलिए आगे। अब क्या बोलते, गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली, गाड़ी ने शीघ्र यानी जल्दी ही, तो शीघ्र ही के लिए आप क्या यूज करेंगे, सून। तो हम क्या लिख देते हैं, सून, कॉमा लगा दीजिए, सून यानी कि जल्दी ही। गाड़ी ने यानी ट्रेन ने गति पकड़ ली, गति पकड़ ली क्या मतलब, यानी स्पीड ले ली उसने, स्पीड ले ली, पास्ट की बात है इसलिए लेना के लिए हम टेक की जगह क्या यूज करेंगे, टुक, टेक मतलब लेना और टेक का सेकंड फॉर्म टुक, तो क्या हो जाएगा, सून द ट्रेन टुक स्पीड। यहां तक बात समझ आ रही है दोस्तों आपको, कि सून यानी जल्दी, द ट्रेन टुक स्पीड, ट्रेन ने स्पीड ले ली, गति पकड़ ली, पकड़ने के मतलब यहाँ पे कैच नहीं, आप गनी गति ले ली उसने, ठीक है। और क्या हुआ, एंड, और फिर क्या होता है, एंड और एक मूर्ख की तरह, नहीं जब उसने स्पीड पकड़ ली, और क्या हुआ, एंड और एक मूर्ख की तरह, एक मूर्ख की तरह का क्या मतलब होता है, लाइक अ फूल, क्या हो गया, लाइक अ फूल, यानी एक मूर्ख की तरह उसे प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए देख रहा था, यानी कि मैं क्या कर रहा था, अब एक मूर्ख की तरह मैं खड़ा था और उसे दूर जाते देख रहा था कि हाँ ट्रेन जा रही जा रही जा रही, पागल बन के देख रहा था। समझ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लाइक अ फूल आई वाज वॉचिंग, समझ गए, आई वाज वॉचिंग, ठीक है, या आप वॉचिंग की जगह लुकिंग भी कर सकते थे, आप क्या कर सकते थे, आई वॉज वॉचिंग या आई वॉज लुकिंग, ठीक है ना, मैं देख रहा था प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए, यानी कि आई वॉज वॉचिंग द ट्रेन टुक स्पीड एंड आई वॉज वॉचिंग क्या हो रहा था, क्षमा चाहता हूं दोस्तों, आई वॉज वॉचिंग किसको देख रहा था, ट्रेन को देख रहा था, ठीक है, उसे उसे प्लेटफॉर्म से जाते हुए, उसे के लिए क्या यूज करोगे, इट, क्योंकि यहाँ पे इट यूज होगा, ठीक है, तो आई वॉज वॉचिंग इट जाते हुए, यानी कि गोइंग आउट, क्या हो जाएगा, गोइंग आउट, गोइंग आउट क्यों किया, क्योंकि देखो स्टेशन यानी प्लेटफॉर्म को छोड़ करके वो बाहर जाएगी, इसलिए गोइंग आउट यूज किया दोस्तों, ठीक है, वॉचिंग इट गोइंग आउट, कहां से जाते हुए, बाहर जाते हुए, प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए, गोइंग आउट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, बात समझ आ गई दोस्तों, इस तरीके से हमारे पैसेज कंप्लीट हो गए। एक बार फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन कॉमा करेंगे द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव या द ट्रेन वॉज अबाउट टू डिपार्ट, क्लियर है, मैं दौड़कर प्लेटफॉर्म पर गया, आई रैन मैं दौड़ा एंड वेंट एट द प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म तक गया, फिर क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी चल दी, यानी हार्डली हैड आई रीच्ड देयर, यानी बड़ी मुश्किल से मैं वहां पहुंचा ही था, व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ कि ये चल दी यानी स्टार्ट हो गई। अब आगे क्या होता है दोस्तों कि गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली, सून यानी जल्दी ही, द ट्रेन टुक स्पीड, ट्रेन ने क्या किया, स्पीड ले लिया, ठीक है, एंड और क्या हुआ, लाइक अ फूल यानी एक मूर्ख की तरह, आई वॉज वॉचिंग इट मैं इसको देख रहा था, गोइंग आउट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए। अब एक क्वेश्चन है दोस्तों, मान लीजिए अगर यहाँ पे हम इसको ये बोल देते, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मान लीजिए यहाँ पे ये सेंटेंस होता कि और एक मूर्ख की तरह मैं प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए उसे देखता रहा, क्या होता, समझिएगा, अगर देख रहा था की जगह, इसकी जगह ये हो जाता कि देखता रहा, तब क्या हो जाता,
पूरा सेंटेंस वही होता दोस्तों। तो लेकिन इसकी जगह पे देख रहा था कि अगर देखता रहा हो जाता तब भी आप कर सकते थे, जरा समझिएगा। तब यहाँ पे आपका हो जाता कि लाइक अ फूल, आप जो मैंने यहाँ पे लिखा था आई वॉज वॉचिंग, तो इसके जगह पे आप लिख देते थे आई, इसके समझिए, इसकी जगह पे आप लिख सकते थे, ठीक है। अगर देखता रहा होता तब तो आप लिख देते थे आई रिमेंड, क्या हो जाता आई रिमेंड, आर ई एम ए आई एन ई, आई रिमेंड वॉचिंग, क्या हो जाता आई रिमेंड वॉचिंग। अब रिमेंड का मतलब होता रहा, यानी कि कोई काम क्या होता दोस्तों कंटिन्यू हो जाता, कि मैं उसे पागलों की तरह, मैं उसे मूर्ख की तरह देखता रहा। तो यहां पे इसकी जगह पे हो जाता आई रिमेंड वॉचिंग इट गोइंग आउट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, समझ गए। फिर से एक बार समझा देता हूं, यहां पे समझ लेना, यानी गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली तो क्या हो गया, सून द ट्रेन टुक अप स्पीड, और मैं एक मूर्ख की तरह उसे प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए देखता रहा, तो हो जाता like a fool I remained watching it going out from the platform, ठीक है। अगर रहा था होता तो आई वॉज वॉचिंग, ये आप कर सकते थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा, और फिर से बता दूं कि ये पैसेज ये कमेंट में आया हुआ था, यानी ये कमेंट की आपकी स्पेशल क्लास थी जो कि पूछा था मंजू सिंह जी ने। तो आप भी लोग अपनी प्रतिक्रिया अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, जिनमें डाउट होगा मैं उसकी एक वीडियो क्लास लेकर के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप उसमें से आपके जो डाउट्स हों वो आप सीख सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे भी आपका आपके नेक्स्ट कमेंट का इंतजार रहेगा। इसलिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए स्टडी विद गोपी गोपाल के साथ, और दोस्तों अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। जय।